Good morning, students. So our chapter is first chapter as we were studying, and our class is 8th class. Our subject is science. So our today's topic is harvesting. Harvesting क्या होता है? जब फसलें पूरी तरह से उग जाती हैं, तो जब हम उसको काटते हैं पूरी तरह से mature होने के बाद में, mature का मतलब होता है परिपक्वता, मतलब पूरी तरह से जब वो फसल उग जाती है, पूरी तरह से पक जाती है, उसका आगे कुछ नहीं होगा, right? वो पूरी तरह से mature हो जाती है, उसकी फसल की जब हम कटाई करते हैं, उसे हम कहते हैं harvesting. So harvesting का मतलब क्या है? Let us look over the definition. Removal or cutting of crops after maturity. Maturity के बाद में जब वो पूरी तरह से mature होते हैं, उसके बाद में जब हम उस crops को फसल से क्या करते हैं, जमीन से अलग कर देते, उसको काट देते, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. इसका दूसरा अगर डेफिनेशन देखें तो कटिंग एंड कलेक्टिंग. कटिंग मतलब उसको काटना, एंड कलेक्टिंग, कलेक्टिंग मतलब उसको इकट्ठा करना, काटने के लिए उसको इकट्ठा करके रखना. ऑफ मैच्योर क्रॉप्स मतलब कच्चे क्रॉप्स को नहीं काटना, आपको पूरी तरह से जो मैच्योर हो जाते हैं उनको काटना है. फ्रॉम द फील्ड, फील्ड मतलब जो अपनी खेती वाली जो जमीन होती है वहां से. सेकेंड, अब इसको करते कैसे, हार्वेस्टिंग कौन करता है? फार्मर्स करते हैं. तो किसके हेल्प से करते हैं? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सिकल. एक ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पुराने जमाने में यूज करते थे, अब इसका ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि जो बड़ी जमीन होती है तो इंसान कब तक उसको कट करेगा, उसका लेबर बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट? मेहनत बहुत लगती है. तो इसके लिए आजकल क्या आता है? मशीन आती है, विच इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग. एक मशीन आती है हार्वेस्टर. हार्वेस्टर मतलब जो क्या करता है, फसलों को अपने आप काट के रख देता है. और एक मशीन आती है कंबाइन आती है, जिसे हम कहते हैं, जिसकी मैंने आपको पिक्चर स्टार्टिंग जब मैं इंट्रो दी थी तब मैंने आपको बताई थी. सो वो क्या होता है? कंबाइन. कंबाइन में क्या होता है? हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग दोनों साथ में होती है, मतलब वो हार्वेस्टर का भी काम करता है और थ्रेशर का भी काम करता है. थ्रेशर क्या होता है, मैं इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगी, राइट? सो सिकल और क्या यूज करते हैं? हार्वेस्टर यूज करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग. क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल्स. उसको क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग मतलब उसको काटा जाता है, उसको टाई टाई मतलब उसको बांध दिया जाता है. बंडल्स में उसको क्या करते हैं? इतना इतना बंडल्स बना देते हैं अलग अलग, और उसको बांध दिया जाता है. एंड कैप रेडी फॉर थ्रेशिंग. उसको किसके लिए तैयार किया जाता है? थ्रेशिंग. थ्रेशिंग मतलब जब अपन उसमें जो होते हैं, अपने डंडे के साथ अपने पूरा प्लांट काट दिया, उसको क्या करते हैं? उस प्लांट को तो अपन खा नहीं सकते, उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके अंदर जो अनाज लगे रहते हैं उसको अपन, उस प्लांट को जो डंडल रहता है, जो डंडी रहती है प्लांट से, उसको अपन अलग करते हैं. तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें अपन ग्रेन्स को अलग अलग करते हैं प्लांट से, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं थ्रेशिंग, राइट? सो क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल. तो उसको अपन क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करने के लिए उसको बंडल करके रेडी रखते हैं, ताकि उसका नेक्स्ट टाइम अपन को क्या करना, हार्वेस्टिंग की जस्ट बाद अपन क्या करते हैं? थ्रेशिंग करते, ताकि उसमें से अपन क्या कर सके, ग्रेन जो है आपके, अनाज जो है आपके, जो बीज है उसको अपन, क्रॉप्स को आपके प्लांट से अलग कर सके. सो अब हार्वेस्टिंग जो है, ये फार्मर्स के लिए एक सेलिब्रेशन, जैसे अपने लिए दिवाली होता है, होली होता है, वैसे फार्मर्स का जो मेन फेस्टिवल होता है वो होता है हार्वेस्टिंग. और इस टाइम पे क्या करते हैं, जब हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, फसल की कटाई होती है, राइट? फसल की कटाई होगी तो वो मार्केट जाएंगे बिकने के लिए, बिकेंगे तो पैसे आएंगे, तो उनके लिए क्या हो गया, एक फेस्टिवल हो गया, उसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, मनाया जाता है. सेलिब्रेशन को फार्मर हार्वेस्टिंग सीजन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इज डिफरेंट. और ये जो हार्वेस्टिंग सीजन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन के हिसाब से, अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और अलग अलग
जाती है, राइट। तो लेकिन फिर भी उसमें क्या आता है, वो कचरा उसके अंदर ही मिक्स होता है, मतलब जो शार्प है, जो डंठल है, ये सब अनाज के साथ में मिक्स होता है। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है विनोइंग, उसमें अपन क्या करते हैं, कचरे को ग्रेन से अलग करते हैं। वो जो शार्प जो बचा हुआ कचरा है वो किसमें काम आता है, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो भाई एनिमल्स कैसे करते हैं थ्रेशिंग, ह्यूमंस कैसे करते हैं, ह्यूमंस कैसे करते हैं, उसका बंडल लेते हैं, उसको एक बड़ा हार्ड सब्सटेंस रहता है जैसे बड़े पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको जोर जोर से पटकते हैं, पटकने की वजह से क्या होता है, उसके जो ग्रेन्स है वो अपने आप से अलग होकर टूट के गिर जाते हैं। और मशीन जो होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, उसको पहले काटती है, मतलब उसको पहले हार्वेस्ट करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन मशीन, जो आप इसको बोलते हैं कंबाइन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया, वन बाय वन, मतलब पहले क्या करती है हार्वेस्टिंग करती है फिर थ्रेशिंग करती है, पहले फसलों को काटती है फिर उसको ले जाती है, फिर उसको क्या करती है, उसको डंठल से अलग।